फिल्म जो बनाई गई है आदि पुरुष होता क्या है? हनुमान जी का किरदार भी एक अलग तरह का लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर मुगल आ गए क्या? इसको देखने से हमारे समाज पर कहीं ना कहीं गलत असर पड़ेगा। आजकल ये नुक्कड़ के बच्चे जो इस तरह से गालियाँ देते हैं ना गलियों में खड़े होकर के, यह गालियाँ इस फिल्म में दिखाई गई है? यह फिल्म नई पीढ़ी को दिखाने के योग्य कतई नहीं। इस तरह की फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये है हमारी भारतीय संस्कृति, ये है हमारी भारतीय परंपरा, जो कि अपने पति का नाम नहीं लेती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से KIA में। आज का विशेष एपिसोड जो है वो हम आज के इस विशेष एपिसोड में आपसे बात करने वाले हैं। एक फिल्म आई है आदि पुरुष, और आदि पुरुष के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। कुछ विद्वान लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, इनके साथ में आज हम चर्चा करेंगे कि आदि पुरुष में क्या इन्हें अच्छा या बुरा लगा, और क्यों आदि पुरुष आज के हिंदू समाज को नहीं देखनी चाहिए, जबकि वो हिंदू धर्म की बड़ी फिल्म बताई जा रही है, और उस कहा जा रहा है कि वो रामायण पर आधारित फिल्म है, और रामायण के सभी पात्र उसमें दिखाए गए हैं, रामायण को लेकर के वो फिल्म बनाई गई है। हम सबसे पहले आपको परिचय करा दें, ललित कुमार जी हैं हमारे साथ में। ललित कुमार जी हिंदू जागरण मंच के कार्यालय प्रमुख हैं। हमारे साथ हैं प्रिया चरण उपाध्याय जी एक अच्छे साहित्यकार हैं, अध्यापक हैं, और साथ में हमारे साथ हैं संजय सिंह जी हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार कनक जी, ये भी साहित्यकार हैं और फिरोजाबाद के बहुत अच्छे सुधी वक्ता श्रोता सब कुछ हैं। तो आज यह का ये जो मंच है हमारे साथ में, आज हम इन लोगों से जानेंगे कि ये जो फिल्म आदि पुरुष है, इस आदि पुरुष में क्या अच्छा क्या बुरा है, विद्वानों की दृष्टि से हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम संजय जी आपके पास ही आते हैं। संजय जी, आदि पुरुष जो फिल्म है, नाम है आदि पुरुष और प्रभु श्री राम के ऊपर आधारित है ये फिल्म, तो जब धार्मिक फिल्म है फिर क्यों नहीं देखनी चाहिए? यह आदि पुरुष जो फिल्म बनाई गई है, उस फिल्म के अगर पात्रों को हम पहले अगर पोस्टर पर बैनर पर देखते हैं तो फिल्म की कहानी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उससे उनका पहनावा उड़ावा देख करके आप फिल्म की पूरी स्टोरी पूरी कहानी हम समझ सकते हैं। फिल्म जो बनाई गई है आदि पुरुष होता क्या है, आदि पुरुष जो नाम रखा गया है, लेकिन फिल्म की जो कहानी है रामायण, जो हमारी महान कथा है, हमारा ग्रंथ है, उसके आधार पर फिल्म बनाई गई है। उस फिल्म में अगर हम पोस्टर ही थिएटर के बाहर लगा हुआ देखते हैं तो पोस्टर से पहनावा उड़ावा से हमारी रूह कांप जाती है। हमारा जैसे सीता मैया का पहनावा उड़ावा देख लो, सीता मैया के बिंदिया लगी रहती थी, पूरे वस्त्र पहने रहती थी, साड़ी से पूरा बदन छुपा रहता था, और इस फिल्म में सीता मैया का जो रूप दिखाया गया है वो एकमात्र धोती में, बिना ब्लाउज के, बिना कपड़ों के। इस तरह से अगर दूसरे पात्रों की भी देखें, जहाँ पर राम को दिखाया गया है, लक्ष्मण को दिखाया गया है, इनके कहीं भी मूछें नहीं थी, इसमें मूछें दिखाई गई हैं। इनके किरदार में अगर रावण का किरदार देखें, रावण के किरदार को एक मुगल जैसा किरदार महसूस हो रहा है। रावण था तो हिंदुस्तानी, उस समय मुगल और इस्लाम था ही नहीं, ये किरदार कैसे वहां पर हमारे बीच में आ गया? बेशक रावण राक्षस था, प्रभु श्री राम ने उनका संहार किया था, लेकिन यह किरदार एक इस्लाम जैसा किरदार बनाना, यह निश्चित ही हमारे धार्मिक ग्रंथों से छेड़छाड़, हमारे धार्मिक ग्रंथों की मजाक बनाना तय हुआ है। हनुमान जी का देखेंगे, हनुमान जी का किरदार भी एक अलग तरह का लग रहा है, जैसे कि यहाँ पर मुगल आ गए क्या? तो इस तरह का ये किरदार जो चल रहा है, फिल्म देखना तो बहुत दूर की चीज है, अगर इस किरदार पर ही बात करें, पहनावे उड़ावे पर बात करें, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जिनके जो पहनावे उड़ावे दिखाए गए वो कुछ ऐसा लगता है लेदर जैसी चीजें कुछ पहने हुए कपड़ों में, जबकि भगवा वस्त्रों में वो वनवास के लिए गए हुए थे, मात्र दो तीन कपड़ों में गए हुए थे, उन्होंने कपड़े और पहने ही नहीं थे। तो हिंदुस्तान में इस तरह की स्थिति बन चुकी है। कौन कितना बड़ा हिंदुस्तान का डायरेक्टर, हिंदुस्तान का नेता, जो हिंदू धर्म को गाली देगा, हिंदू धर्म को अमर्यादित रूप से दिखाने का प्रयास करेगा, वही सबसे बड़ा है हिंदुस्तान में। जी चलिए, कहें जी आपकी दृष्टि से ये फिल्म हमें क्यों नहीं देखनी चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कोई भी फिल्म जब हमारे समाज में आती है तो वह हमारे अंदर तक जाती है, वो हमारी अंतःचेतना पे प्रभाव करती है, क्योंकि एक बार चूंकि ये जो नाटक पद्धति है, हम जो समझते हैं कि हमने साहित्य में, चूंकि मैं एक साहित्यकार हूँ, साहित्य की दृष्टि से उस बात को कहूँगा कि जो नाटक एक पद्धति थी, उसमें क्या था कि हम जो कथानक है उसे हम इस प्रकार पिरोकर सामने रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं कि जन जन तक वह पहुँच जाए। इसलिए हम समझ रहे हैं कि फिल्म का तात्पर्य क्या है, वह संदेश जन जन तक पहुंच जाए, लेकिन यहाँ बात यह है कि संदेश ही गलत है। महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ मौलिकता से छेड़छाड़ की गई है। जो राम कथा है,
राम कथा में हम सब जानते हैं कि जो वनवास है वो राम को हुआ था, और राम को वनवास हुआ था इसलिए वनवासी वेश में राम गए थे, लक्ष्मण उनके साथ वनवासी वेश में गए थे, जटाजूट धारण करके गए थे, किंतु सीता जी समस्त आभूषणों के साथ गई थी, यह मौलिकता है। लेकिन जो दृश्य दिखाए गए हैं उन दृश्यों में यह बताया गया है कि वह भी उसी वेश में गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कथा पढ़ी है जब गिद्धराज जटायु उनकी रक्षा कर रहे होते हैं, तो हमने ये सब कथानक सुने हैं कि रावण जब उनको हरण करके ले जा रहा है तो मार्ग में वो अपने आभूषण गिराती जा रही हैं, यहाँ तो आभूषण है ही नहीं, गिराएंगे क्या। तो यह मौलिकता से छेड़छाड़ है। ऐसे ही कई स्थानों पर यहाँ जो मूलभूत हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। यहाँ देखिए एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि यह हम जानते हैं कि जब एक नाटककार नाटक लिखता है तो वो उसमें अपनी कल्पना का समावेश करता है, लेकिन ये एक नाटक नहीं है। यहाँ हमको ये समझना चाहिए कि यह एक फिल्म है जिसे पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदू समाज देखेगा, उन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई रामायण संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व भर में जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ तक देखी जाती है, समझी जाती है। तो उन प्रत्येक भारतीय को जो भारत से, भारतीय संस्कृति से, भारत की परंपराओं से स्नेह करता है, उसके लिए यह पीड़ादायक है, क्योंकि बच्चे उसी बात को समझने लगेंगे कि सीता तो ऐसी थी, हनुमान जी ऐसे डायलॉग बोलते थे। ठीक है, आपके पास आएंगे लौट करके। जी प्रियचंद जी, आपको क्या लगता है? जी मेरे विचार से थोड़ा विचार भिन्न है हमारे अन्य मित्रों से। जी मेरा विचार है कि फिल्म जरूर देखें लेकिन अपनी आलोचनात्मक दृष्टि रखें। जी लेकिन फिल्म में कुछ बदलाव भी हैं, जो कि जैसा कि कनक जी ने कहा कि मौलिकता से छेड़छाड़ की गई है, तो वो नहीं होना चाहिए। मूलतः मनोज मुंतशिर जो कि इसके इन्होंने पटकथा लिखी है इसकी, उनको सबसे पहले सर्वज्ञ नहीं बन जाना चाहिए था, इसके लिए उन्हें संपूर्ण अध्ययन करना चाहिए था विषय का। और मेरे विचार से आप ये समझ कर फिल्म देखने जाएंगे कि ये 3 घंटे की फिल्म है, ये संपूर्ण रामायण दिखा देगी, राम के चरित्र को बता देगी। आपको पता होना चाहिए कि राम का चरित्र तो करोड़ों मुखों से संपन्न नहीं हो सकता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो आप 3 घंटे की फिल्म में कैसे देख सकते हैं। तो आप केवल मनोरंजन की दृष्टि से फिल्म देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए, लेकिन अगर इस भावभूमि से देखना चाहते हैं कि इस फिल्म में हमें बहुत सीख मिलने वाली है, तो ये कुछ नहीं आपको हासिल नहीं होगा। तो इसलिए, और दूसरी बात, बंधुवर कह रहे थे कि संस्कृति से छेड़छाड़ की गई है, हमारी संस्कृति इस तरह की फिल्म बनने से कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये अक्षुण्य संस्कृति है, सदियों में बनी हुई संस्कृति है, राम हमारे रग रंग में बसे हुए हैं, राम को समाप्त कोई नहीं कर सकता है। चलिए ललित जी, आपके विचार से ये फिल्म हमें क्यों नहीं देखनी चाहिए, और अगर देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए? देखिए, शायद रामायण मेरे जब मैं छोटा था, मैं जब बहुत छोटा था तो गांव में बहुत दूर दूर टीवी आती सब नहीं थी, तब रामायण देखने हम दूसरे गांव में जाते थे, मतलब 1 घंटे की रामायण आती थी, तो बहुत दूर तक रामायण का इतना वो प्रचलन था, उस वक्त एक मतलब 1.5 किलोमीटर दूर हम देखने के लिए जाते थे। उस हिसाब से देखा जाए और इसमें तो बहुत अंतर है। पहले की रामायण से लोगों को सीख मिलती थी, अब इसमें जिस तरह से अभी हमने देखी नहीं है ये मूवी, लेकिन पोस्टर और जो प्रचार चल रहा है इसका, उसको देखते हुए देख रहे हैं कि इसको देखने से हमारे समाज पर कहीं ना कहीं गलत असर पड़ेगा, और हमारी बहन बेटियों पर बहुत ज्यादा ही गलत असर पड़ेगा ऐसे देखने से। अरे डायलॉग ही ऐसे दिए उसमें। जी चलिए जी संजय जी, मैं भाई की बात को जवाब देना चाहूंगा, जो कि भाई ने अभी बोला, छोटे भाई ने, कि ये मनोरंजन की दृष्टि से हमें देखनी चाहिए। तो क्या हमारे वेद शास्त्र है मनोरंजन की दृष्टि से बनाने के लिए? क्या हिंदुस्तान में और धर्म के लोग नहीं रहते हैं? क्या मनोरंजन के लिए ईसाइयों पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? क्या मनोरंजन के लिए इस्लाम पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? एक कुछ समय पहले बहन नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक छोटी सी टिप्पणी कर दी थी, पूरा विश्व हिल गया था, वहां मनोरंजन देखने के लिए कहां गया था? ये तो पूरी फिल्म ही हमारे शास्त्रों को बदलने के लिए प्रयास कर दी गई है। जी। पूरा वेदों को समाप्त करने का प्रयास कर दिया गया है इनको। अब जैसे जो इसमें जो डायलॉग बोले गए, डायलॉग बोले गए, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। आजकल ये नुक्कड़ के बच्चे जो इस तरह से गालियां देते हैं ना गलियों में खड़े होकर के, यह गालियां इस फिल्म में दिखाई गई हैं। आगे, तेरी बुआ का बगीचा है क्या वो हवा खाने चला गया? आगे डायलॉग है, बोल आया हूं लंका में,
हमारी बहन को उठाने वालों की हम लंका लगा देंगे। फिल्म में इस तरह के डायलॉग, क्या रामायण कथा ही बची थी? अगर आता है मनोरंजन की बात करने के लिए तो मनोरंजन के लिए, जब हमारी किसी रिश्तेदारी किसी बहन बेटी के साथ में अगर इस तरह की घटना घटती है तब हमें दिखाई देता है मनोरंजन क्या होता है। हमारे धर्मशास्त्रों के साथ ही छेड़छाड़ क्यों होती है? एक अगर मेरे प्रभु के रूप को किसी दूसरी तरह से दर्शाया जाएगा तो निश्चित ही मेरी भावना आहत होगी, क्योंकि मेरी प्रभु में आस्था है। जैसे जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब पर पूरे विश्व की आस्था भटक उठी थी, तन तेरे सच से जुदा वाला जो डायलॉग था वो पूरे भारत में चला था और कई जगह पर हत्याएं भी हो चुकी थी। हिंदू समाज एक बड़ी विडंबना है भारत के अंतर्गत। हिंदू समाज ही ऐसी चीजों का कृत्य लेकर के उसके समर्थन में आता है, लेकिन एक भी ईसाई आज तक हिंदू समाज भारत में मुझे ऐसा नहीं मिला है जिसने ईसाइयों पर कोई भी टिप्पणी की हो और उसने उसका समर्थन किया हो कि सही टिप्पणी है। इस्लाम पर अगर किसी ने कुछ बोला हो, नूपुर शर्मा जी ने जो पैगंबर मोहम्मद साहब पर बोला था उसके मामले में कितने हिंदुस्तान के मुस्लिम आए हुए थे कि नहीं, इस पर डिबेट होनी चाहिए। क्या हिंदू वेद शास्त्रों पर ही डिबेट की आवश्यकता है? जी प्रियचरण जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? संजय जी ने थोड़ा मेरे विचार को गलत ले लिया है। मैं तो पूर्णतः सनातनी व्यक्ति हूँ और मनोज मिंत्सर जिनकी बात कही जा रही है वो आपको पता भी होगा, प्रखर हिंदुवादी लेखक हैं और हिंदुत्व पर खुलकर बात करते हैं जी। तो सबसे पहले तो उन्हें थोड़ा समझने की, मैंने पहले एक शब्द यूज किया था कि उन्हें अध्ययन की जरूरत है। और ये जो फिल्म वाले जो पात्र दिए गए हैं, 3 घंटे में जो दिखाई गई है फिल्म दिखाई गई है, तो 3 घंटे में रामायण नहीं हो सकती, मैंने ये कहा। और सबसे पहले पात्र जो उसमें पात्र अभिनय कर रहे हैं वो जो है मुंबई के रहन सहन में विलासिता में जीवन यापन करने वाले, वो कैसे जो है राम का चरित्र निभा सकते हैं? उनके लिए पहले राम जैसा बनना होगा, राम के चरित्रों का जैसा उन्हें अभिनय करना होगा, यानी उसको अपने जीवन में ढालना होगा। तुम विलासिता पूर्व तामस भोजन कर रहे हो, भोज्य पदार्थ खा रहे हो, शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी यानी नशे खोरी में लिप्त हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और उसके बाद आप फिल्म में अभिनय करने पहुंच जाएं, राम का चरित्र कैसे आ सकता है आपकी जो बॉडी लैंग्वेज में? नहीं आ सकता। राम के चरित्र के लिए, राम के अन्य पात्रों के चरित्र के लिए राम के जैसा बनना होगा। जैसे कि इसमें अभी बताया था इन्होंने कि सीता जी जो है उसमें कुछ बोलती हैं, जैसे राघव शब्द का प्रयोग करती हैं जी, ठीक, लेकिन ये राघव शब्द का प्रयोग करना सीता जी का ये बिल्कुल समीचीन नहीं है। हमने तो राम तुलसी ने कहा है, राम जी का परिचय जब देती हैं तो वो क्या कहती हैं कि कछु मुस्काए कछु हरसाए चली, तेरे छे कर नैन देन सेन, कछु हरसाए कछु मुस्काए चली, इस तरह से परिचय देती हैं, यानी नाम नहीं लेती उनका, नाम नहीं लेती हैं, वो नजरों से इशारा करती हैं। तो ये है हमारी भारतीय संस्कृति, ये है हमारी भारतीय परंपरा जो कि अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। तो यहाँ पर ये जो इस बात से थोड़ी सी आपत्ति है, कुछ प्रसंग हैं उनसे पूरी तरह से आपत्ति है, तो मैं ये कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि आस्था के साथ मनोरंजन का विषय जोड़ा जाना ये कतई नहीं है। दूसरी बात, एक बहुत बड़े लेखक अभी अभी पिछले 5-6 महीने पहले दिवंगत हुए हैं, हम सब लोग जानते हैं नरेंद्र कोहली जी। नरेंद्र कोहली जी ने रामायण और महाभारत दोनों विषयों पर असंख्य उपन्यास लिखे। उपन्यास हम लोग जानते हैं काल्पनिक होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या परिवर्तन किए वो जानने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने ये बताया कि जो चीज़ें हम लोगों को ऐसे दिखाई जाती थी हमारे धार्मिक ग्रंथों में कि यूं उड़ गए, ये हुआ, ऐसे हुआ, वो हवा हवाई नहीं। उन्होंने कहा कि जैसे बंदर हैं, बंदर जो थे, बानर सेना जो है वो लड़ने कैसे, तो बानर सेना को राम ने ट्रेंड किया, उनको बंदरों को ट्रेंड किया और लड़ने के योग्य बनाया। तो इस प्रकार के उन्होंने बिंदु दिए कि कैसे जो राम हैं वो किस प्रकार विजय, एक भयंकर राक्षस पे कैसे विजय प्राप्त की होगी, उसके उन्होंने एक ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जो स्वीकार्य किए जा सकते हैं। हम उनमें ऐसा नहीं कह सकते कि दैवीय शक्ति कोई आई, उन्होंने कहा कि उस पर मेहनत की गई, काम किया गया, तो वो चीज स्वीकृत थी क्योंकि उन्होंने लगा हाँ लॉजिकली ये काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो जो चीजें हो रही हैं वो पहली बात तो इलॉजिकली है जो भी दिखाया गया, क्योंकि 8-9 पात्र हैं कुल मिला के, और उसके बाद सारा कुछ एनिमेटेड है। तो हम अपने जो
हमारी जो नई जनरेशन आने वाली है, जो हमारी नवीन पीढ़ी आने वाली है, हम उसके लिए क्या इस प्रकार का माहौल तैयार करेंगे जिससे वो राम को इस तरीके का जाने जैसा कि उस फिल्म में दिखाया जा रहा है, सीता जी का स्वरूप वह तय करें जैसे आज भी जो जिन लोगों ने रामानंद सागर जी की रामायण देखी थी उनके दृष्टिपटल पर वही चित्र छपा रहता है, आज जो बच्चे देखेंगे वो छप जाएगा। तो इसलिए यह फिल्म नई पीढ़ी को दिखाने के योग्य कतई नहीं है। जी जी, धन्यवाद जी संजय। अभी जैसे छोटे भाई ने बोला, मैं उनके विषय को पूर्ण समझा था, लेकिन आपने जैसा कि मनोरंजन जो शब्द लगाया हुआ था, कोई भी फिल्म आ रही है अगर पर्दे पर ही पहुंच क्यों रही है हिंदुस्तान के अंतर्गत, जो हमारे ग्रंथों के साथ में छेड़छाड़ करने के बाद हमारे पर्दों पर तो फिल्म पहुंचनी नहीं चाहिए। अगर किसी भी विषय पर हमारी धार्मिक भावना आहत होती है, जैसे ही दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, वैसे ही हमारी भी भावना है, हमारा भी वही दिल है, और मैं भी उतना ही कट्टर अपने धर्म के प्रति हूं जितना दूसरे धर्म के लोग प्रति हैं। तो उस चीज को मनोरंजन के रूप में थिएटर तक हम क्यों पहुंचे? जैसे अभी बड़े भाई ने इस पर बहुत विस्तार से आपके सामने रखा कि जो चरित्र वहां पर दिखाया जाता है या जो फेस दिखाया जाता है वही हमारे अंदर घर कर जाता है। तो मैं तो यह कहना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, इस तरह की फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। यदि सेंसर बोर्ड ने भी रिजेक्ट नहीं की, स्वीकृति दे दी, थिएटर तक आ गई, जब मेरी भावनाएं आहत हुई, निर्देशक से लेकर जो भी इस फिल्म में कार्य कर रहे व्यक्ति, वह सभी व्यक्ति साथ में ही सेंसर बोर्ड और जो थिएटर इस फिल्म को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। चलिए, आपने कहा कि सेंसर बोर्ड को पास नहीं करना चाहिए, और सेंसर बोर्ड के अलावा अगर फिल्म थिएटर में आ जाती है तो थिएटर वालों को और बाकी तमाम जो समाज के लोग हैं उनको इसका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि भाजपा के ही एक बड़े नेता हैं और वो फिल्मकार भी हैं और कलाकार भी हैं, नाम है उनका रवि किशन जी हैं, और वो गोरखपुर से सांसद भी हैं जो कि योगी जी की जन्मभूमि मानी जाती है। तो भाजपा से सांसद हैं रवि किशन जी के द्वारा पहले दिन पहला शो जो है उसमें वो गए और हनुमान जी की के लिए जो एक सीट रिजर्व की गई है उसका उन्होंने पूजा अर्चन किया और फिर बैठ करके वो फिल्म का पहला शो भी देखा, और शो देखने के बाद लोगों से ये भी कहा कि आपको ये फिल्म देखने जानी चाहिए। तो क्या भाजपा जो है वो धर्म को पहचानती नहीं है, धर्म को जानती नहीं है कि हिंदू धर्म क्या है? और क्या भाजपा भी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उसको बहिष्कार करना चाहिए, तो भाजपा को बहिष्कार नहीं करना चाहिए क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें सम्मिलित नहीं है, और क्या ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा, जितने भी हम चार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग संभवतः गैर राजनीतिक हैं, हम लोग कोई भी राजनीतिक पार्टी से दायित्ववान कोई भी नहीं है। समर्थन होता है अपनी अपनी पार्टी के लिए, अपनी अपने विचार परिवार के लिए समर्थन होता है। अगर हम कलाकार की बात करें, इनको कलाकार ही बोलते हैं जो फिल्म उद्योग में कार्य कर रहे हैं, कलाकार निर्देशक वह फिल्म बनाते हैं जो जनता देखना चाहती है, चाहे वो बहिष्कार के रूप में देखना चाहे, चाहे वो विरोध के रूप में देखना चाहे या पक्ष के रूप में देखना चाहे। तो रवि किशन जी भी एक सांसद होने के साथ में वो एक कलाकार भी हैं। हालांकि मैं रवि किशन जी के लिए यह भी कहना चाहूंगा कि जहां पर हमारे ग्रंथों से संबंधित कोई भी घटना घटित हो रही है उस चीज को प्रचार प्रसार होने से हम रोकें और उसको बचें, उसमें आगे अपनी भूमिका को पॉजिटिव नहीं बांधे, उसके विरोध में रवि किशन जी को खड़े होना चाहिए था, न कि उनको कलाकार के साथ में खड़ा होना चाहिए था। फिल्म जो भी आ रही है, मैं पुनः यही कहना चाहूंगा, भारत देश बहुसंख्यक हिंदू आबादी का देश है, और धर्मों के अनुसार जिस दिन हिंदू समाज का 1% भी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो गया या प्रतिक्रिया देने के लिए घर से बाहर निकल आया, उस दिन एक भी कलाकार भारत के अंदर ऐसी फिल्म बनाने के लिए नहीं सोच पाएगा। मात्र भारत का 1% हिंदू समाज अपने धर्म के प्रति भाव रखते हुए सिर्फ अनुशासनिक रूप में, कानूनी रूप में प्रतिक्रिया देने के लिए खड़ा हो जाए, यह फिल्म भारत में दोबारा इस तरह की बनेगी ही नहीं। जी, धन्यवाद जी। मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि जो फिल्म निर्माता है
वे राम को राम क्यों नहीं कह पाए, वे लक्ष्मण को लक्ष्मण क्यों नहीं कह पाए, ये तो प्रश्न है। हनुमान की सीट के लिए पूजन करते हैं रवि किशन जी, सांसद हैं, बड़े आदमी हैं, वो पूजन कर सकते हैं, क्या वो ये प्रश्न नहीं कर पाए कि राम को राम क्यों नहीं कह पाई वो है पूरी टीम जो इस फिल्म को निर्मित कर रही थी, लक्ष्मण को लक्ष्मण क्यों नहीं कह पाई, शेष क्यों कहना पड़ा? तो कहीं ना कहीं इनकी मन में तो कोई खोट था, क्योंकि राम नाम यह सर्वविदित है, सर्व स्वीकृत है, उस नाम को आप क्यों नहीं दे पाए, क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? यदि आपके मन में कोई कठिनाई नहीं थी, मन में कोई ऐसी धारणा नहीं थी, आप कहीं ना कहीं तो छेड़छाड़ करना चाहते थे, इसीलिए आप नामों के साथ छेड़छाड़ करते हुए चले प्रारंभ से ही। इससे आपको आपके इस बात से मुझे एक प्रसंग और याद आ रहा है कि जब हम मैंने पहले दिन पहला शो जो है उस पर लोगों का रिव्यू लिया था आगरा में श्री ताकिज के बाहर, तो जो लोग पहला शो देखकर आए थे उनसे हमने पूछा था कि आपको फिल्म कैसी लगी और फिल्म में क्या चीज़ अच्छी बुरी लगी, तो उन्होंने एक बात मुझसे कही कि मैं यहाँ दिखा भी दूंगा आपको, पूरी फिल्म में कहीं भी किसी ने भी जय श्री राम का नारा नहीं लगाया, पूरी फिल्म में कहीं भी दिखाया नहीं गया कि किसी ने जय श्री राम बोला हो, सिवाय एक बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे एक गाना बज रहा है उसमें जय श्री राम बोल रहा है, लेकिन कोई भी पात्र जो है वो जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहा है। इस पर क्या कहना है? कि जय श्री राम किसी कैरेक्टर ने बोला नहीं है, ये चीज बोलनी चाहिए थी, पब्लिक बोल रही जय श्री राम, गाने चल रहे जय श्री राम, पूरी थीम है, केवल थीम और कुछ भी नहीं, किसी कैरेक्टर ने नहीं बोला। अब इस बात पर मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि रवि किशन जी ने जब पूरी फिल्म देखी थी तो क्या उनको ऐसी इस नारे की कमी नहीं खली थी क्या? वानर सेना हम हमेशा से सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सदैव ये बात होती थी जय श्री राम हम लोग करते थे, तो क्या फिल्म में इतना स्पेस नहीं बना पाए वो कि एक बंदर ही खड़े होकर कहते था जय श्री राम? जब हम रामानंद सागर का रामायण देखते हैं तो वहाँ कुछ भी कार्य करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष करता है, नहीं कर पाए, मन में चोर है और चोरों की फिल्म देखोगे। मैं तो स्पष्ट रूप से यही कहूँगा कि यह फिल्म किसी भी स्तर पर हमारे समाज के लिए प्रेरणास्पद नहीं हो सकती। जी जी, जी संजय जी, क्या इस पर आपका क्या विचार है? मेरा कहना इसमें यह है, जैसा कि हमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमण किए थे, विदेशियों पर काफ़ी लंबे अंतराल तक राज किया था, सर्वप्रथम हमारे देश की संस्कृति का पतन करने का प्रयास किया गया था, हमारे देश में जो गुरुकुल थे भारत में, जहाँ पर विदेशों से लोग शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आते थे, उन गुरुकुलों को ख़त्म किया गया, उसमें आग लगाई गई, हमारे जितना शास्त्र था, जितनी किताबें थीं, सब खत्म की गई। उद्देश्य यही है, किसी भी देश को ख़त्म करना है तो उसकी संस्कृति को ख़त्म कर दो। दूसरे देशों में आक्रमण हुए, वहाँ पर पूर्ण रूप से उस देश की संस्कृतियाँ ख़त्म हो गई, भारत देश में संघर्ष भी करते रहे, गुलामी सभी ने स्वीकार नहीं की, गुलामों ने गुलामी स्वीकार कर ली और जो संघर्ष में रहे उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करते हुए ही अपने प्राण त्यागे। तो कहने का तात्पर्य यही है, ऐसी फिल्मों के माध्यम से, नाटक के माध्यमों से, जैसा कि बड़े भाई साहब ने अभी बताया था, बच्चों पर इन चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम अगर कल को समय आएगा तो जो अभी प्रभु श्री राम की जो हमारे आगे जो चित्र आता है ना, प्रत्येक भारत के हिंदू समाज या विश्व के हिंदू समाज के अंतर्गत जो चित्र आता है, जो हम छोटे पर रामायण देखी थी रामानंद सागर जी वाली, वही चित्र सभी के अंदर मन में और दिल पर रहता है और किताबों में भी वही दिखाई देगा जी। अगर इस तरह की फिल्म हमारे ग्रंथ पर प्रसारित होगी तो प्रभु श्री राम का चित्र कौन सा आएगा? वर्तमान वाला आएगा, मूछों वाला आएगा, रावण का चित्र कौन सा आएगा? इस्लाम वाला, मुगल जैसा आएगा। हनुमान जी का चित्र, हनुमान जी से तो बहुत कुछ सीखने को हमें मिलना चाहिए, उन जैसा भक्त, प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी बोला गया, उनके चित्र को किस तरह से दिखाया गया है। तो यह निश्चित ही फिल्म, जो कलाकारों ने फिल्म बनाई है, ये कि योजनाबद्ध तरह से फिल्म बनती है और किस तरह से भारत की संस्कृति का पतन किया जाए, भारत की जिस दिन संस्कृति का पतन होगा उस दिन भारत खत्म हो जाएगा जी। प्रियचरण जी और ललित जी, फिल्म बनाने वाले जैसे भाई साहब कह रहे थे कि भारतीय संस्कृति का पतन जो है वो हो रहा है, अब मैं आपका ध्यान इस बार इस ओर ले जाना चाहता हूँ कि फिल्म बनाने वाले भी हिंदू हैं, फिल्म के निर्माता ओम राउत जी वो भी हिंदू हैं, फिल्म जिसने लिखी है मनोज मुंतशिर शुक्ला वो ब्राह्मण है, और जो फिल्म में किरदार निभा रहे हैं प्रभास, राम का किरदार निभाया उन्होंने, और मतलब लगभग सभी हिंदू हैं, सिर्फ एक रावण को छोड़ के, रावण सैफ अली खान उनका किरदार कर रहे हैं।
तो क्या आपको लगता है कि हिंदू ही हिंदू का पतन नहीं चाहता है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बात है कि जो हमारे रामायण के जो पात्र हैं वो जो हैं उनमें आज जैसे भाई साहब कह रहे थे, कनक जी कह रहे थे कि जो है लक्ष्मण शेष क्यों रह गए, लक्ष्मण क्यों नहीं बन पाए, तो मेन नाटक का मुख्य उद्देश्य होता है उसकी आत्मा। जब आत्मा नहीं डाल पाएंगे आप किसी विषय वस्तु में तो उसका प्रभाव कैसे जाएगा? तो प्रभाव तो कुप्रभाव में बदल जाएगा, कुप्रभाव में भी धीर जो है, राम जो है धीर प्रशांत नायक हैं और यहाँ पर धीर उदात्त नायक के रूप में दर्शा दिया गया। राम तो मुस्कुराते रहते हैं हर समय, अविचल हैं, धैर्यवान हैं, और यहाँ पर जो है क्रोधी राम को दिखा दिया गया। ये जो है राम के साथ न्याय नहीं किया है। और दूसरी बात कही कि भाजपा के समर्थन कर रहे हैं लोग, तो भाजपा के लोग करें वो सब सही है, क्या उन्होंने धर्म की ठेकेदारी ले रखी है? उन्होंने धर्म की ठेकेदारी तो नहीं ले रखी है। तो जब आप सही कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं तो उसका जो है प्रचार क्यों कर रहे हैं? तो हमें भाजपा की दृष्टि से नहीं, हमें राम को अपनी दृष्टि से मानना है, हमें जय श्री राम नहीं, हमें जय सिया राम को साथ लेकर चलना है। हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को साथ लेकर जब चलेंगे तब हम न्याय कर पाएंगे अपनी संस्कृति के साथ। चलिए चलिए, अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ चलने की कोशिश करें। मुझे ये बताइए कि इसमें कमी जो है आपको दिखती है, तो एक एक बार मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ी कमी आप किसकी मानते हैं, नंबर एक और नंबर दो? इसमें अगर शुरू से आखिरी तक जैसे फिल्म पर चर्चा हुई तो कहीं कहीं पूरी फिल्म आ गई, बेशक हमने नहीं देखी, अगर हम फिल्म के प्रारंभ से अंत तक देखेंगे तो हर जगह पर कमी है। वस्त्र पहनना, बोलचाल करना, डायलॉग देना, उनके कार्य, उनके नाम, उनका रहन सहन, उनकी कुटिया, सीता जी को ले जाना, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हम कह सकें कि इस ये इसमें मुद्दा या यह लाइन इसमें सही है, इसलिए हमें ये फिल्म देखनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा शुरू से आखिरी तक हर कमी है। इस फिल्म को देखना तो अलग चीज़ है, थिएटर मालिक और निर्देशकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। जी कहने की आपने कहा कि दो बिंदुओं में यह बात कही जाए। पहली कमी मैं मानता हूँ लेखक की, क्योंकि लेखक ने जब फिल्म पटकथा लिखी तो उस समय उसे विचार करना चाहिए था, वह चूक गया। तो निर्देशक की भूमिका थी कि वह उसने जब उस कथा को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसे कहना चाहिए था मुंतशिर जी इसमें ये संशोधन की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ आप एक साहित्यकार हैं और मनोज मुंतशिर शुक्ला बहुत अच्छे साहित्यकार हैं जी, तो आपको उनकी कमी दिख रही। एक हाँ, एक बहुत अच्छा प्रसंग मैं आपको याद दिलाऊँ। एक जगह है जहाँ पर ये मनोज मुंतशिर के लिए भी ये मतलब ये गजब की बात है कि ये उनका इस बात इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया, और क्या उनको मतलब हिंदी भाषा और हिंदी शब्दों का ज्ञान नहीं है। एक जगह पर वो आता है कि जब हनुमान जी जो है वो जब सीता माता से मिलते हैं और माता सीता से मिलने के बाद में वो उनसे कुछ निशानी मांगते हैं प्रभु श्री राम को दिखाने के लिए, तो माता सीता उनको चूड़ामणि देती हैं अपना। चूड़ामणि का अर्थ क्या होता है? चूड़ामणि होता है हमारे बालों में लगाने वाला कोई पिन या गजरा, ऐसा कुछ जी। क्या मनोज मुंतशिर शुक्ला चूड़ामणि का अर्थ नहीं समझते? फिल्म में दिखाया गया है कि वो उनको अपना कंगन उतार के देती हैं, मतलब चूड़ा का मतलब कंगन हो गया क्या जी? तो क्या आपको लगता है कि मनोज की कमी है या भाषा शैली की कमी है, किस चीज़ की कमी, उनके पास शब्दकोश नहीं है, क्या क्या अंतर मालूम? मैं बताता हूँ इसका मूल कारण क्या है। एक तो कम उम्र में वो बहुत ज़्यादा ख्याति पा गए, और ऐसा को जन्मा जगमा ही प्रभुता पाए आई मद नाही, उसे ज्ञान का घमंड हो जाता है। और कुमार विश्वास के मंच पर पहुँच कर आज तक का एक बड़ा आयोजन होता है साहित्य आज तक, उसके मंच पर पहुंचकर वो उनको लगा कि मैं पूर्णता पे आ गया, उन्होंने अध्ययन कर दिया बंद। जबकि रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाई तो उससे उन्होंने कई बरस लगाए उसको पढ़ने में, समझने में कि इसको किस प्रकार पर्दे पर उतारा जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनको ऐसा लगने लगा कि मैं तो ये इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लेखक हूँ, मैं जो लिख दूंगा वो बिल्कुल सब सही होगा, सरस्वती मेरे लिए सिद्ध हो चुकी है। माना सरस्वती आपके लिए सिद्ध है, लेकिन फिर भी
आपको उस सिद्धि को सदैव बनाए रखने के लिए अध्ययन आवश्यक है। हिंदी साहित्य में ऐसा कहा जाता है, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास। आपने व्युत्पत्ति का क्षेत्र छोड़ दिया, जिसमें कहा जाता है कि निरंतर अभ्यास करते रहना, पढ़ते रहना, अच्छी चीज़ें पढ़ते रहना। तो जब आप रामायण पर कोई प्रसंग लाने वाले हैं तो आपको चाहिए था कि कम से कम 4-6-10 बड़े जो राम कथावाचक थे उनके द्वारा कथाएँ सुनते। फिर कुछ जो बड़ी बड़े राइटर्स ने, चाहे वो कम्ब रामायण हो या कृतिवास की रामायण हो या तुलसी कृत रामायण हो या वाल्मीकि कृत रामायण हो, इन सब का अध्ययन करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। ऐसा उनके इस पूरे रचना धर्मिता से प्रतीत होता। तो मुझे लगता है कि अब उनको ये आवश्यकता थी जो उन्होंने पूरी नहीं किया, इसलिए गलती हुई है। वो एक अच्छे इंसान हैं, वो हिंदू हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, सब कुछ है, लेकिन अध्ययन की आवश्यकता उन्हें भी है जो उन्होंने नहीं की, इसलिए ये कमियां आई हैं। जी धन्यवाद। जी प्रियचंद जी, दो बातें। सबसे पहले एक बात मैं बताऊंगा कि फिल्म में रामत्व की कमी रह गई। जी रामत्व नहीं आया, जब रामत्व आ जाता तो ये कोई बात ही नहीं रहती। पात्रों के चयन में कोई द्वेष नहीं रहता, दोष नहीं रहता। और दूसरी कमी रही मनोज मुंतशिर जी का उपनिषद न करना। उपनिषद एक बड़ी चीज़ है। उपनिषद का अर्थ होता है कि किसी के पास बैठना, जैसा कि हमारे बंधु ने अभी बताया कि जब तक हम किसी के पास बैठेंगे नहीं, विद्वानों से जानेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, कभी भी एक कविता लिखता है तो उसे अपने चेक कराता है, जब तक हम उसे जो है उपनिषद नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे किसी विषय के बारे में, कैसे अच्छा लिख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा गौरव जी कि सबसे पहले रामत्व की कमी रही और लेखक का जो है अध्ययन का दायरा सीमित रहा, उपनिषद का दायरा सीमित रहा, और इसलिए वो अच्छा नहीं कर पाए। जी ये कहना। दूसरी बात, दूसरी बात जो वस्त्रों के बारे में बात की गई, वस्त्रों के बारे में या डायलॉग्स के बारे में, डायलॉग्स कम से कम कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छे डायलॉग्स दे सकता था। यानी मर्यादा राम के अनुकूल क्या है, राम राम क्या है, मर्यादा के नाम से जाने जाते हैं। मर्यादित डायलॉग्स हम लिख देते, हम जो गालियों का या उल्टे सीधे मुहावरों का प्रयोग ना करते तो निश्चित रूप से अच्छा हो जाता, कोई समस्या ही नहीं थी। तो ये जो है करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है मनोज मुंतशिर जी से। और मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहली बात तो कही आपसे कि रामत्व भाव की कमी रही, ये सब में आत्मा नहीं डाल पाए। जी धन्यवाद। जी ललित जी, आपकी दृष्टि से दो बातें कौन सी प्रमुख? मेरे विचार से निर्माता और निर्देशक दोनों की कमी रही। हालांकि इतने विद्वान व्यक्ति होते हुए उन्होंने इतने पवित्र ग्रंथ के साथ इतनी बड़ी कैसी चूक होगी उनसे, लेकिन चूक हुई, चलो उन्होंने अपने उनके विचार से कैसे भी उन्होंने अपने विचार से लिया होगा, उन्होंने जैसे लिया होगा उन्होंने अपने विचार से सही लिया होगा, लेकिन अब हमको उनका जवाब इस फिल्म को पूरी तरह बाइकाट करके देना चाहिए, जिससे उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे कि ऐसी गलती हम भविष्य में दोबारा नहीं करें। हमारे पूरे हिंदू समाज को उसकी इस फिल्म को बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए, जिससे उनको हमेशा के लिए ध्यान रखें दोबारा ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश ना करें, हिम्मत भी ना करें। जी धन्यवाद। तो जैसा कि आपने हमारे साथ देखा, आज हमारे साथ चार विद्वान यहाँ पर उपस्थित थे। कृष्ण कुमार कनक जी थे, संजय जी थे, प्रियाचरण जी थे, ललित जी थे। इनके साथ में आज हमने चर्चा की और बड़े स्वस्थ चर्चा हुई कि हमें आदिपुरुष क्यों नहीं देखनी चाहिए, हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले इतने बड़े प्रसंग को हम कैसे चूक गए और उसमें हमने कैसे इतनी कमियां छोड़ दी। इन सारी बातों पर हमने आज चर्चा की और तमाम चीज़ें निकल कर आई, हमारे विद्वानों ने हमें बताई। आशा है आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आई होगी और आपको इसमें से क्या कुछ सीखने को मिला कमेंट करके हमें नीचे ज़रूर बताइएगा। फिल्म देखना न देखना ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है, परंतु यदि आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो उसे अपने विवेक से ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।